तो खैर ये है बूटस्ट्रैप का सेकंड ट्यूटोरियल। इसमें हम देखेंगे जो आप अपनी वेबसाइट में वेबसाइट बनाने के लिए वेब पेज में यूज़ करते हैं, जैसे कि लेआउट्स, बटन्स, फॉर्म्स, कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें वेब बनाने के लिए वेब पेज में यूज़ करते हैं। तो पहले आप HTML और CSS के थ्रू करते हैं, तो उसकी कोडिंग बहुत लंबी रहती है। तो हम इसमें बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप के थ्रू जल्दी वेबसाइट बन जाती है, ये शॉर्ट वे है वेबसाइट बनाने का। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू बताऊँगी। तो पहले देखें, पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है इसका बूटस्ट्रैप का, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ट्यूटोरियल 1 में, और ये भी बताया है वहाँ पे कि अपने हम बूटस्ट्रैप को अपने वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप अगर आपको किसी को नहीं पता हो कैसे कनेक्ट करते हैं, तो कैसे CDN हम ऐड करते हैं वेब पेज में, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखें हम स्टार्ट करते हैं, मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं, कस्टमाइज, हम अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कैसे करते हैं। देखें कस्टमाइज क्या है, आगे उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है, ओवरव्यू, ऑप्शंस, कलर्स, कंपोनेंट्स, CSS वेरिएबल, ऑप्टिमाइज, ये सारी कस्टमाइज में चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखें लेआउट, लेआउट में क्या क्या आता है, लेआउट में क्या क्या देखेंगे हम, ब्रेक पॉइंट्स, कंटेनर्स, ग्रिड, कॉलम, गटर्स, यूटिलिटीज, इंडेक्स, CSS ग्रिड, ये सारी चीज़ें इस लेआउट में हम करेंगे। कंटेंट में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, देखें रिपोर्ट वैसे इतना यूज़ नहीं होता, टाइपोग्राफी, इमेजेस, इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वेबसाइट में, टेबल्स होते हैं, फिगर्स होती हैं। आगे देखें फॉर्म्स, फॉर्म का ओवरव्यू, फॉर्म कंट्रोल्स, चेक्स एंड रेडियो बटन, रेंज, इनपुट ग्रुप, फ्लोटिंग टेबल, फ्लोटिंग लेबल, लेआउट, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें फॉर्म्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखें कंप्यूटर्स, ये मेन पार्ट है, कंप्यूटर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अलर्ट्स, बैंडेज, ब्रेड क्लब, बटन्स, बटन ग्रुप्स, स्टार्ट, कैरोसेल, क्लोज बटन, कोलैप्स, ड्रॉप डाउन, लिस्ट ग्रुप मॉडल, एंड नेम बार, टैब्स, ये भी यूज होते हैं नेम बार, और ये सारी चीज़ें देखें बाकी चीज़ें भी यूज ही होती हैं, देखें टोस्ट, टोल टिप्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स में। ये भी मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ आपको उधर VS Code में लगा कर दिखाऊंगी। इसमें देखें कलर फील्ड्स, कलर लिंक्स, रेशो, पोजीशन, टैग, ये सारी चीज़ें, वर्टिकल रूल्स, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें हेल्प कर देंगी। यूटिलिटीज, यहाँ पे API लगाना दिखाएंगे, बैकग्राउंड, बॉर्डर, कलर, डिस्प्ले, फ्लेक्स, फ्लोट, ओपेसिटी, ओवरफ्लो, पोजीशन, शेडो, ये सारी चीज़ें, साइजिंग, स्पेसिंग, टेक्स्ट, वर्टिकल लाइन, विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से लगा सकते हैं अपने वेब पेज में। अब एक्सटेंड में देखें, एक्सटेंड जैसे अप्रोच, तो ये वैसे थे आइकन, आइकन भी लगाते हैं अपने वेबसाइट में। और ये अबाउट, अबाउट तो वैसे है जो मतलब इस वेबसाइट के बारे में बताया हुआ है, तो आपको इस बारे समझ आ गया होगा जो तो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। बूटस्ट्रैप में हर चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे हम यहाँ से उठा के और अपने वेब पेज में लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से उठा लगा सकते हैं, या फिर इसका शॉर्ट वे मतलब शॉर्ट कोडिंग होती है, और टैग बनाते हैं शॉर्ट, वो हम याद रखते हैं, याद करते हैं, और याद करके और अपने वेब पेज में लगा लेते हैं। यहाँ से उठाना, अगर ना भी उठाएं बस वो हम याद रखेंगे और वहाँ से हम उठाते जाएंगे। जो न्यू यूज़र होते हैं उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना, इसलिए वो बूटस्ट्रैप से यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे लगा देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंड से। एक्सटेंड में क्या है, अप्रोच जी तो वैसे ही होता है कि तुम्हें बताया हुआ है, और यहाँ आइकन्स, एक्सटेंड में क्या आइकन, आइकन का बहुत ज़्यादा यूज होता है वेबसाइट में, स्पेशली देखें यहाँ पे आइकन ये यूज़ किए हुए हैं इस वेबसाइट में भी। ये गिटहब का आइकन है, ट्विटर का, ये स्लैक का, ये ओपन क्रिएटिव, ये सारे आइकन यूज़ किए हुए हैं, इस यहाँ पे भी होते हैं अक्सर वेबसाइट के एंड पे भी आइकन यूज़ किए होते हैं। तो ये आइकन कहाँ से लेते होते हैं, देखें यहाँ पे उन्होंने आइकन नहीं दिए हुए, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ कि हम आइकन कहाँ से
लेके अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। ये देखें फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, फिगर और ऑप्शन ऑप्ट आइकन, ये तीन वेबसाइट उन्होंने बताई हुई है कि आप यहाँ से आइकन लेकर और वहाँ पे अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। यहाँ देखिए आगे मोर ऑप्शन, यहाँ पे भी सारे आइकन अवेलेबल होते हैं। ये वाइट इज तो यू आई आइकन, गूगल मटेरियल आइकन, आईओन आइकन, ये सारे उन वेबसाइट बताई हुई हैं जहाँ से आप अपने आइकन लेकर और अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें ये फोन ऑसम बहुत ही फेमस वेबसाइट है, ज़्यादा जो होते हैं प्रोग्रामर वगैरह जो वेब डिवेल्पर एंड्रॉयड डिवेल्पर सारे आइकन सब लोग ये फोन ऑसम से लेते हैं। ये मैं अपन मेरे दिखा देती हूँ आपको, देखिए दिखाया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट आइकन डॉग स्पॉट प्लांट, देखिए वेबसाइट है इसकी, आइकन है आपको वही देखें इंट्रोडक्शन टू व्यू टोन्स आइकन, देखिए सारे आइकन यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे जाएंगे आइकन में, हम चाहे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जो हमें आइकन चाहिए उसे सर्च कर सकते हैं। ये मैंने आइकन पे क्लिक किया था यहाँ पर तो ये सारे आइकन भी शो हो गए हैं, देखे सारे आइकन, ये अमेज़न का है, ये सारे कुछ फ्री वाले हैं कुछ प्रो हैं, ताकि हमें परचेज करने पड़ते हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें जो वेबसाइट बनवाता है हमसे उनसे हम पेमेंट लेकर परचेज भी कर सकते हैं, कुछ फ्री भी मिल रहे हैं हमें, देखें अमेजोन का फ्री भी मिल रहा है। यहाँ पे देखते ऑप्शन दिए हुए हैं फ्री वाले जिन्हें आपने प्रो लेने हैं, मतलब परचेज होते हैं वो सॉलिड रेगुलर लाइट न्यूट्रॉन लेटेस्ट रिलीज, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं फ्री वाले देखते हैं। देखो सारे फ्री वाले हमें शो हो गए हैं, इसलिए हम कोई सर्च कर देखते हैं। देखो ये एंड्रॉयड का है, ओपन न्यू टैब, देखो स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन, इसका ही देखें लिंक दिया हुआ है, इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी हो गया, मैं वीएस कोड से लगा देखते हैं काम करता है या नहीं करता। यहाँ मैंने पहले सब कुछ कनेक्ट किया हुआ सब स्टेप में सेव करते हैं और ओपन ब्राउजर में जाके ओपन करते हैं, ऐसे अभी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसमें जाते हैं बूटस्ट्रैप 5 में, इस वीडियो में इतने काफ़ी है, जब मैं नेट स्लो चल रहा है इसी यहाँ पर शोर पर शोर नहीं हो रहा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई और भी समझना चाहते हैं कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपको मैं वो आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।